वर्ल्ड के बेहतरीन शानदार जो क्रिएशन है जिसे सेवन वंडर्स कहते हैं, वो सारे यहाँ पे उसकी एक रिप्लिका यहाँ पे है और वो अब देखेंगे अपन। और ये सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पे देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ पे रिप्लिकाज है बहुत सारी, सेवन वंडर्स हैं, अपना ताज दिखेगा आपको और बेहतरीन जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। आप भोपाल आए तो ये पीपल्स मॉल जरूर विजिट करिएगा। अभी आपको मैं क्विकली सातों अजूबों की एक झलक दिखाता हूँ अपने स्टाइल में। शाहजहाँ अकबर का ताजमहल अब हम देखने जा रहे हैं जो कि भोपाल के पीपल्स मॉल में है। ये देखिए, आते से ही सबसे पहले एंट्री लेते से ही ताजमहल दिखता है, फिर उसके लेफ्ट साइड एक बहुत बड़ा कलश मंडप है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है, और उसके पास में ही ताजमहल है। और ये जो गार्डन है ये है मुगल गार्डन, ये वैसा का वैसा ही हूबहू वही क्रिएशन है जो ताजमहल आगरा में है। ये पूरा मुगल गार्डन बनाया हुआ है पीपल्स मॉल में, और ये ताजमहल है और इसके साइड में ही कलश मंडप है। ये भी बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा पास जाके देखते हैं इस ताजमहल को जो कि पीपल्स मॉल में स्थित है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और ये मुगल गार्डन भी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ का मेंटेनेंस भी बहुत रेगुलरली होता है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जनरली इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, उसमें इतने बड़े क्रिएशंस हैं, उनको मेंटेन रखना एक बहुत मुश्किल काम है, बट यहाँ पे रेगुलर मेंटेनेंस होता है गार्डन्स का भी और जो भी क्रिएशंस हैं यहाँ पे। पास में तो बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत बढ़िया लगता है ताज को देखना पास में से। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये भोपाल का ताज है जो कि पीपल्स मॉल में बना हुआ है, एंड अमेजिंग क्रिएशन, बहुत ही शानदार क्रिएशंस किए हैं यहाँ पे, जो भी सेवन वंडर्स हैं, होटल ताज है, दुनिया के जितने भी अजूबे हैं सबको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है और एज इट इज़ जैसे बने हैं। यहाँ पे संगमरमर से बनाया हुआ है छोटा सा ताज है ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, बड़ा ही शानदार क्रिएशन है यार। मतलब वाकई में जो बनाया है वो रिप्लिका है, एकदम संगमरमर का है। जाने की पूरी फैसिलिटी है, अंदर जाके भी चेकआउट करेंगे क्या क्या है अंदर और कैसा अंदर से दिखता है जैसा बाहर से इतना खूबसूरत दिख रहा है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे गो कार्टिंग है, ट्रेन्स है और भी बहुत सारी राइड्स हैं। इन पर बैठ के आप मॉल का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या है इसकी पूरी एक लिस्ट है यहाँ पे, लाल किला, ताजमहल, रेस्ट्रो पार्क, होटल ताज, एफिल टावर, रोमन गार्डन, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, गो कार्टिंग और बाहर जाने का रास्ता। बाहर जाने के रास्ते पे अपन बाद में जाएंगे, पहले लाल किला देखते हैं। पीपल्स मॉल का लाल किला भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया हुआ है। आप दिल्ली गए होंगे, दिल्ली के लाल किला आपने घूमा होगा, वहाँ पे आपने फ़ोटो भी खिंचाई होगी, वही की वही हूबहू आकृति पीपल्स मॉल में स्थित है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत बेहतरीन लगता है यहाँ पे, और बिल्कुल लाल किले की पूरी याद दिलाता है। एक ही जगह पे सारे आर्टिकल्स, सारे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिएशंस यहाँ मौजूद हैं। लाल किले की तोप भी हैं ही, और सामने रोमन गार्डन, वाइटर पार्क और ताजमहल स्थित है। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी है जो जनरली दूसरे अदर मॉल्स में देखने को नहीं मिलती है। अब लाल किला देख रहे हैं मेरे पीछे, फिर साइड में ताजमहल देखेंगे, फिर और मैं पीछे घूमता हूँ अब एफिल टावर भी देखेंगे, ये पीछे एफिल टावर है। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे है। आइए अब देखते हैं नया गार्डन जिसका नाम है रोमन पार्क। ये रोमन गार्डन है, रोमन आर्किटेक्चर का सबसे शानदार मिक्सचर यहाँ दिखता है, बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है ये रोमन पार्क। ये गार्डन है,
फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी आकृति बनाई हुई है, इसके अंदर भी विजिट करेंगे। पीपल्स मॉल की सबसे ख़ास बात है यहाँ के गार्डन्स, बहुत बेहतरीन तरीके से बने हुए गार्डन्स हैं यहाँ पे। गार्डन्स का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, रेगुलर मेंटेनेंस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी ग्रीनरी रहती है और बड़ा ही सुकून मिलता है, आनंद देता है। ये जो जगह है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जिसे रोमन पार्क बोलते हैं, यहाँ का रोमन गार्डन भी बहुत शानदार है। इसके अंदर विजिट करते हैं, यह रोमन आकृति है, रोमन आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड है ये। ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करें अगर पीपल्स मॉल आ रहे हैं तो। और यहाँ पे जो कलाकारी की है वो भी बहुत अद्भुत है, देखने लायक है। और ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, यहाँ से पूरा पार्क सुव्यवस्थित दिखता है। इस रोमन गार्डन के आसपास बहुत सारे आर्टिफिशियल पहाड़ झरने बनाए हुए हैं, वहाँ पे बैठना और उनको देखना भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। और इस रोमन आर्किटेक्चर की जो ये बिल्डिंग बनाई है, इसको उतरने का रास्ता है ये। यहाँ पे लोग आते हैं तो सेल्फी फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। ये उतरने का रास्ता है, अब मैं यहाँ से उतरूँगा और बढ़ूँगा अगले क्रिएशन की ओर। अभी देखने लायक बहुत कुछ है यहाँ पर। अभी तो गाइस कोविड टाइम है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बंद है, गार्डन बंद है। यहाँ पे जो पहाड़ हैं, आर्टिफिशियल जो इन्होंने जो बनाया है, पहाड़ बनाए हैं, गार्डन्स हैं, और पीछे आप मेरे देख रहे हैं एफिल टावर्स है। ये कुछ चीज़ें अभी कोविड के टाइम की वजह से बंद है यहाँ पे, वरना बहुत ही शानदार यहाँ पे नज़ारा भी रहता है और लोग भी काफ़ी अच्छे विज़िट करते हैं। अभी कोविड टाइम की वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज कर रखी है इन्होंने, बट जब भी कोरोना का जो टाइम है, जो कोरोना काल है, ये जब निकलेगा तो वाकई में यहाँ पे वापस से रौनक आ जाएगी और बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी जो एफिल टावर जो है, यहाँ पे जाने के लिए अभी मनाही है, गेट लगा रखा है, बट आपको मैं इसको पीछे से दिखा देता हूँ। बड़ा ही अद्भुत बनाया है इन्होंने यार, और वाकई में बिल्कुल पूरा जो स्टील का, जो आयरन का जो काम होता है, वो पूरा हर जगह किया हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आर्टिफिशियल या फॉर्म की बनाई हुई है, परमानेंट है एकदम। अब बारी है मुंबई के सबसे शानदार होटल दी ताज को विज़िट करने की, जो कि लोकेटेड है पीपल्स मॉल में। पीपल्स मॉल वालों ने हूबहू आकृति जो ताज होटल मुंबई की है, वो यहाँ पे पीपल्स मॉल में बनाई है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लगा इस होटल को देखकर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पीपल्स मॉल विज़िट करेंगे। मेरे पीछे है ताज होटल, मुंबई का ताज, दी ताज होटल अभी मेरे पीछे ही है। ये भोपाली ताज है पीपल्स मॉल का। यहाँ पे आने से ना एक पूरी की पूरी जो रामोजी फिल्म सिटी की पूरी याद ताज़ा हो गई है एकदम। वाकई मैं रामोजी फिल्म सिटी गया था लास्ट ईयर, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा आने का। वाकई में रामोजी फिल्म सिटी में भी इतना शानदार नहीं लगता है जितना यहाँ पे आके लग रहा है। बहुत ही शानदार व्यू है। अब बारी है इंडिया गेट को सेलिब्रेट करने की। यहाँ पे इंडिया गेट भी बनाया हुआ है पीपल्स मॉल वालों ने, जो कि एफिल टावर के पहले ही आता है। ये वही रोड है जहाँ से एफिल टावर जाने का रास्ता निकलता है। एफिल टावर जाने की परमिशन भी मुझे मिल गई थी, जनरली वहाँ पे अभी जाने की मनाही थी, बट आई मैनेज्ड। बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है एफिल टावर, फुल एकदम स्टील का, आयरन का पूरा काम किया हुआ है। अभी जाने की परमिशन तो नहीं मिलेगी, कोविड का टाइम है, बाकी ऊपर भी घूमने की पूरी परमिशन मिलती है। पहले लोग जाते थे ऊपर, अभी इन्होंने बंद कर दिया है। बाकी क्या एक्सपीरियंस है यार, लोग बोलते हैं पेरिस दूर है, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो भैया वैसा लग रहा है कि पेरिस में घूम रहा हूँ पूरी तरह से। वाह, क्या कारीगरी है, एकदम शानदार। एक मिनट अंकल, सिर्फ फोटो लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका था, क्योंकि यहाँ पे जाने की परमिशन थी नहीं। ये एफिल टावर, ये इसका बैक व्यू है। और ये है
पीपल्स एनक्लेव, पीपल्स की स्मार्ट सिटी, ये पीपल्स का होम प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पे, जनरल लोगों के लिए होम्स भी ये बेचते हैं, अपार्टमेंट्स भी है। पीपल्स ग्रुप इज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी इन भोपाल, दे हैव हॉस्पिटल्स, दे हैव यूनिवर्सिटीज़, दे हैव पीपल्स मॉल, एंड अभी पीछे पीपल्स इनक्लेव देखा अपन ने, यहाँ पे भी इनके होम्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं फॉर पीपल, और चैरिटी भी बहुत सारी करते हैं पीपल्स ग्रुप जो है, वो चैरिटी भी बहुत करता है। अब एग्ज़िट पॉइंट तरफ बढ़ते हुए रास्ते में पड़ता है जैपनीज गार्डन। ये जैपनीज गार्डन की आकृति है जो यहाँ बनी हुई है, लोग यहाँ पे बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं अपने लव वंस के साथ। यहाँ पे गो कार्टिंग भी है, आप अगर मॉल को गो कार्टिंग के साथ घूमना चाहें तो उसे भी घूम सकते हैं। सबसे शानदार चीज़ तो यहाँ पे ताजमहल लगी मुझे, जो कि सबसे शानदार, ब्राइटेस्ट, क्लीनेस्ट था, और दूसरी चीज़ यहाँ के गार्डन्स। भाई मैं तो इस पीपल्स मॉल को ना भोपाल की फिल्म सिटी बोलूँगा, जैसे हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, मुंबई फिल्म सिटी है, ये पीपल्स मॉल भी एक फिल्म सिटी से कम नहीं है यार। क्या क्या है यहाँ पे, शानदार शानदार आर्टिकल्स बने हुए हैं, रिप्लिका है एकदम, जितने भी सेवन वंडर्स हैं, ताज होटल है, इन सब का एकदम हूबहू आकृति बनाई हुई है। ये वही रास्ता है जहाँ से मॉल के अंदर अपन बड़े थे, अब वापस से जा रहे हैं एग्जिट पॉइंट पे। ये बाहर जाने का रास्ता है, अब वापस बैक टू पवेलियन, बैक टू रेलवे स्टेशन। मेरा ट्रेन का टाइम हो गया था तो इसलिए मैं जल्दी मॉल विजिट करके वहाँ से निकल गया। मॉल बहुत ही अच्छा लगा घूमने में, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखी जो अदर्स मॉल में नहीं मिलती है। ये जो जगह है भोपाल सिटी से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा दूर पड़ता है भोपाल सिटी से। आज संडे है, इस वजह से अच्छी खासी रौनक है यहाँ पे, तो जब भी नेक्स्ट टाइम भोपाल विजिट करें, इस शानदार मॉल को देखना ना भूलें। सो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लाते रहेंगे और आपका इंटरटेनमेंट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।